दोस्ती और फिर विश्वासघात, यही है चीन की रणनीति। दुनिया को चीन दोस्त भले ही मान ले, लेकिन कभी किसी देश से दोस्ती को निभाना तो दूर, स्वीकार तक वो नहीं करता है, खासकर वो जो एक बार उसके दुश्मन बन जाए। और यही ऑस्ट्रेलिया से भूल हो गई। चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना अब उसे भारी पड़ रहा है। अब समुद्र में अपनी गुंडागर्दी दिखाते हुए चीन ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के गोताखोरों को चोट पहुंचाई है। इसके पीछे का कारण है चीन का युद्धपोत। दरअसल ये चोट सोनार पल्स के संपर्क में आने के बाद आई है। घटना तब हुई जब HMAS टुवुम्बा संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को लागू करने वाले मिशन के लिए जापान के पास इंटरनेशनल जल क्षेत्र में काम कर रहा था। नौसेना के गोताखोर ऑस्ट्रेलिया युद्धपोत के प्रोपेलर से मछली पकड़ने के जाल को साफ करने के लिए उतरे थे, तभी चीनी युद्धपोत ने वहां पर हरकत शुरू कर दी। चीनी युद्धपोत ने पतवार पर लगे अपने सोनार को शुरू कर दिया। सोनार की शुरुआत ठीक नहीं लगी तो ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के गोताखोरों ने खुद की जान बचाने के लिए प्रयास शुरू किए। इसे लेकर रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने जानकारी दी। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया युद्धपोत ने इस इलाके में मौजूद जहाजों को कई चेतावनियां भी दी थी कि गोताखोरी अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा, टुवुम्बा के कम्युनिकेशन को स्वीकार करने के बाद भी चीनी पोत करीब आ गया। उन्होंने आगे कहा कि जब यह पता चला कि पतवार पर लगे सोनार को कुछ इस तरह संचालित किया जा रहा है जिससे ऑस्ट्रेलियाई गोताखोरों को खतरा है, तो उन्हें पानी से निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसा नहीं है कि यह सब अचानक हुआ। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री ने कहा कि पहले ही ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के गोताखोरों को लेकर जानकारी चीन को दे दी गई थी। चीन के युद्धपोत ने उस जानकारी को नजरअंदाज करते हुए बड़ी अजीब तरीके से सोनार को हैंडल करना शुरू किया, कुछ इस तरह कि ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के गोताखोरों की जान को खतरा हो सकता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोनार प्लस के कारण गोताखोरों के कान में चोट आई। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने चीनी सरकार से अपनी गंभीर चिंता भी व्यक्त की है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री के मुताबिक घटना असुरक्षित और अनप्रोफेशनल है। उसका कहना है कि ADF के जहाज दशकों से इस क्षेत्र में समुद्री निगरानी कर रहे हैं और समुद्र से जुड़ी गतिविधियों का परिचालन चलाते आए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक ऐसा किया जाता है। युद्धपोत अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में था, लेकिन यह हिस्सा जापान के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में भी आता है। ऑस्ट्रेलिया जहाज जापान की ओर बंदरगाह पर जा रहा था। यह घटना ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनेज की चीन यात्रा के कुछ दिन के बाद हुई, वो भी तब जब एक बहुत लंबे वक्त के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एल्बनीज ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोस्ती की नई शुरुआत की बात हो रही थी, नई नई कस्में खाई जा रही थी। APEC सम्मेलन में भी दोनों राजनेताओं की मुलाकात हुई और इन सब से इतर चीन ने अपना असली रंग समुद्र में दिखाना शुरू कर दिया। चीन ने ऑस्ट्रेलियाई नौसेना को आंख दिखाई और इसके साथ ही उस हमले को शुरू किया जिसकी कल्पना ऑस्ट्रेलिया ने नहीं की थी, खासतौर पर तब जब चीन को इसकी जानकारी दे दी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।